आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। दो तीन चार बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे, कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है, और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना हो उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ, लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं, अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत CRPC में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराए, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय। एक प्रदेश में, वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए, उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए, तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए इसी अपेक्षा से। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही, हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बात ही है, हमने लगा है 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पर एग्जीक्यूशन कर रहे। आखिरी आपको जानकारी और देता हूँ, भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश का बड़ा कार्यक्रम
22 जनवरी का होने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूले कि जब राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के ऊपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थे तो वो खराब दौर था, कठिन दौर था और उस कष्ट के समय के बात को तो अब याद करना भी कठिन है। लेकिन 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित रहेंगे, 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो राम मंदिर के मार्ग में हम इस बार मध्यप्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का हर जिले से राम मंदिर के अयोध्या के जाने वाले मार्ग पर स्वागत करेगी।